बेबाक अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज एक बार फिर मेवात आज तक। आज हम आपको मेवात आज तक के माध्यम से पुनहाना विधानसभा के गांव दोस्तों यानी फरदड़ी में लेकर के चल रहे हैं और फरदड़ी पंचायत से एक सरपंच पद के यानी नए प्रत्याशी मैदान में आए हैं जिनका नाम खुर्शीद है। और खुर्शीद, अब उनके जानते क्या वादे हैं, कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। खुर्शीद जी का जन समर्थन ये देखिए, ये खुर्शीद जी का दोस्तों जन समर्थन आप मेवात आज तक के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। देखिए खुर्शीद जी हैं सामने आपको, आपकी अपने मोबाइल स्क्रीन पर मेवात आज तक के माध्यम से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग यानी ताप रहे आराम से, आज जल रही है यहाँ पर खुर्शीद जी का ये जो जन समर्थन है। यहाँ पर खुर्शीद जी से हम जानने की बातें करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे, आखिर पंचायत के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो खुर्शीद जी लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जनाब आपका मेवात आज तक न्यूज चैनल पर। ऐसा है, मैं एक्स सरपंच हूँ और जो हमारे मुद्दे हैं गांव के, पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। अच्छा, और 20 रु गांव जो है बड़ा गांव है, इनसे वैसे भी डर लगता है, ये धौंस दिखाते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, पानी नहीं आने देते। रैनीवाल का पानी जहां, जब से रैनीवाल चली आज तक हमारे गांव कोई पानी नहीं आया। अच्छा, एक मुद्दा तो हमारे ये है कि हम पानी की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, दूसरा मुद्दा हमारा ये है जो हमारी बहन बेटी डिलीवरी के लिए जो है नू जाती है या पुनहाना जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में 5,000 रुपए एक डिलीवरी के लेते हैं। ये गरीब जनता है, गरीब जनता के बस की बात नहीं इतना खर्च उठाना। हमारा मकसद ये है कि सरकार हमारी सुने और हमारे यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाए, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। अच्छा, तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि पशुपालन हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, नहीं है वो पशुपालन हॉस्पिटल बननी चाहिए। अच्छा जी, चौथा मुद्दा ये है कि पानी जो है, मतलब बिजली का पानी जो है, हम हमारे गाँव में पानी की टंकी बननी चाहिए, ऊंचे वाली टंकी, कम से कम 100 फुट ऊंची। अच्छा, जो हमारे गांव में बहन बेटी परेशान है उनके लिए पूरा पानी मिल सके। और ये बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती तो अपने ठूटी खोलो और पानी जो है मटकम भरो, हमारे ये मुद्दे हैं। अच्छा, विकास का मुद्दा है। हाँ, क्या लगता है भाई साहब, अब तक ये व्यवस्थाएं पंचायत में क्यों नहीं उतर पाए? बहुत वादे, हर प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं। ये लगता है कि अब से पहले जो वाल्मीकि सरपंच है उसके साथ हमने समर्थन किया था और जो है मतलब उसको वोट दी, बस कि आप नालियों की वीडियो बनाओ, नालियों में गंदी कीचड़ भरी हुई है। अच्छा, आज तक वो सफाई नहीं हुई, सफाई का जो पैसा मिलता है उसको भी खा गया। आप के आने से क्या होगा? अब हमारे कहने से ये बदलाव आएगा कि हम चारों तरफ सुखड़ी वाली नहीं चौड़ी वाली नहीं नाली बनवाएंगे। अच्छा, कम से कम 2.5 फुट चौड़ी। ठीक बात है। और हर गली में सफाई होगी। हमारे गांव में सफाई कर्मचारी एक है। हम सरकार से आदेश करेंगे और अपनी मांग करेंगे, दूसरा कर्मचारी हमारे गांव में लगे जो गांव की सफाई पूरे ढंग से हो। आपके पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, पूरा गांव देख रहा है, पूरा गांव देख रहा है। क्या अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे अपने इलाके के लोगों से? हम अपने इलाके के लोगों से ये करेंगे, अपने गांव की जनता से भी अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए ये ईमानदार कैंडिडेट है चौधरी खुर्शीद, इसका समर्थन करें और 5 साल इसी सरकार को भी देखें कि ये क्या विकास करेगा क्या नहीं करेगा। चलिए खुर्शीद जी से भी थोड़ी बात कर लेते हैं, आखिर खुर्शीद जी कौन से वादे लेकर के चल रहे हैं। वादे तो आपने जान लिए लेकिन अब उनको जन समर्थन को देखते हुए अपने आपे को कहां देखते हैं? सबसे पहले खुर्शीद जी बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक न्यूज चैनल पर आपका। वादे ये है, ये सरपंच ने जो बताए उसी को लेकर चल रहे हैं। तो इतना जन समर्थन लोगों को मिला, कैमरामैन से मैं चाहूंगा इधर दिखाएं एक बार ये जन समर्थन खुर्शीद जी के लिए जो मिल रहा है। अच्छा जनाब, अपने आपे को कहां देखते हो इस बार जो इतना समर्थन लोग? खुशी है जी, सारे सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या लगता है इस बार आप विनर यानी सरपंच बनेंगे? इंशाल्लाह। अच्छा, जो अभी हम दादाजी से बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ये बताने आपके मुद्दे, क्या ये धरातल पर वास्तविक है, इन्हीं पे काम करेंगे इंशाल्लाह। ये खुर्शीद जी हैं। अच्छा खुर्शीद जी, लास्ट सवाल, जो जनता हमें मौजूदगी में देखने को मिल रही है, क्या जनता वोटों में तब्दील हो पाएगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल वोट देंगे सारे। अच्छा जनाब, क्या कहना चाहोगे भाई साहब? यही कहना चाहेंगे, हमारा बढ़िया कैंडिडेट है इसलिए इसको लाया जा रहा है। अच्छा दादा, चौका लगेगा छक्का लगेगा, बताइए? छक्का लगेगा, आप बताओ जी।
इंशाल्लाह बढ़ेगा 100%। अच्छा आप बताओ भैया, चौका या छक्का? छक्का। आपका? छक्का। सबका छक्का। आप देखना होगा वक्त पर कि कौन यानी फरदड़ी पंचायत से चौका लगाता है या छक्का लगाता है। भाई साहब ये इस वक्त का इंतजार है कि यहाँ से कौन विनर बनेगा यानी कौन सरपंच बनेगा। लेकिन उससे पहले आपके बीच में इस पंचायत से कई और प्रत्याशी दावेदार वादा करेंगे, लेकिन अपना कीमती वोट का इस्तेमाल आप भी सोच समझ के करें, जिससे कि लगता है आपको कि ये प्रत्याशी ये व्यक्ति हमारे विकास यानी गांव में करा सकता है। तीसरे जो कैंडिडेट है फखरुद्दीन, उसका पूरा समर्थन करेंगे। जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं फखरुद्दीन एडवोकेट की, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि फखरुद्दीन एडवोकेट को जिला परिषद यानी वार्ड नंबर 23 से बनाना है। तो बने रहे मेवात आज तक के साथ, यहाँ कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। हाँ जी प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।